आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक एजुकेशनल वेबसाइट के बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है। वो स्पेशली क्लास 9th और 10th के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। इस वेबसाइट से आप जो हैं किसी भी सब्जेक्ट के आप टॉपिक्स जो हैं वो आसानी से घर बैठे ऑनलाइन सीख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपना गूगल क्रोम खोलेंगे और गूगल की वेबसाइट लगा के लिखेंगे sabak.pk और इंटर प्रेस करेंगे। आप देखेंगे कि हमारे पास जो है एक लिंक आ गया है, ठीक है, और उसके नीचे उसकी ऑफिशियल वेबसाइट आ गई है sabak.pk, ठीक है। हमें इस लिंक पर क्लिक करना है। लिंक पर क्लिक करते ही हमारे पास ये पेज जो है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। हमें थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हमें दिखेगा कि यहाँ पर जो है फेडरल बोर्ड के यहाँ पर वीडियो नोट्स पड़े हुए हैं, यहाँ पर पंजाब बोर्ड की वीडियो नोट्स पड़े हुए हैं और यहाँ पर सिंध बोर्ड की वीडियो नोट्स पड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो ये हम लोग तो सिंध से रिलेटेड हैं, तो हम लोग जो है सिंध में क्लास 9th के अंदर ये जो फिज़िक्स है, ठीक है, इसके कुछ लेक्चर्स को देखेंगे। तो हम इस पर क्लिक करते हैं। जब हम क्लिक करेंगे इस पर तो आप देखें ऊपर लिखा आ गया फिज़िक बुक फॉर क्लास 9th 10th। उसके बाद आपके पास सारे चैप्टर्स आ जाएंगे और आगे उनकी वीडियोस लिखी हुई हैं कि व्हाट इज़ फिज़िक्स, 3 वीडियोस हैं, ठीक है। इम्पॉर्टेंस ऑफ फिज़िक्स इन डेली लाइफ, इसके ऊपर 3 वीडियोस हैं, ठीक है। अब जैसे आप जो है वेक्टर के बारे में पता करना चाह रहे हैं, वेक्टर का एक जो चैप्टर है, ठीक है, तो ये आ गया चैप्टर नंबर 5, ठीक है। हम इस पे क्लिक करते हैं इंट्रोडक्शन पे, वेक्टर के चैप्टर पे। जब हम क्लिक करेंगे तो उसके सारे टॉपिक्स हमारे पास आ जाएंगे, 5.1, 5.2, ठीक है। ये नीचे इसके पास यहाँ पर लिंक्स लगे हुए हैं। अब आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय नंबर देखना है या स्केलर एंड वेक्टर्स के बारे में आपको इंट्रोडक्शन लेना है तो आप इस टॉपिक पर क्लिक करें, आपके पास एक वीडियो आ जाएगी। और इसकी अच्छी बात ये इस वेबसाइट की कि यहाँ पर टोटली जो है उर्दू में सिखाया जा रहा है, ठीक है, और बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पर सिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर से आप वीडियो प्ले करके आप देख सकते हैं। स्केलर्स एंड वेक्टर्स यानी दोनों ही हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज हैं, लेकिन फिर इनमें फर्क क्या हुआ? जैसे चले हम स्केलर्स की बात करते हैं, जब हम किसी क्वांटिटी को उसकी मेजरमेंट करते हैं, यानी कि हम जिसका फर्ज करें मैथ्स को मेजर करते हैं, अब मैथ्स जो है फुली डिस्क्राइब हो जाता है उसकी मैग्नीट्यूड, यानी यूनिट तो साल होता है। तो ठीक है, आप लोग इस वेबसाइट का ज़रूर इस्तेमाल करें, ठीक है, और घर बैठे जो है अपने टॉपिक्स जो हैं वो तैयार कर लें।